सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। मैं थोड़ा दोस्त कुलदीप सगू एक बार फिर तो थोड़ी खिदमत के हाजिर हाँ। पिरामिड ई सर्विसिज, अज का दिन तुम्हें पता है कि पिरामिड ई सर्विसिज तो जोड़े एक्सपर्ट ने प्रनूर सिंह बेदी जी वो थोड़े रूबरू होंगे ने, जोड़े नवे टॉपिक या नवे चेंजेस आए ने जे वालों भेजे गए जो सवाल ने उन्होंने जवाब देंगे ने। सो अज का दिन खास भी रहा है, दर्शकों की डिमांड भी रहती है। पहला स्वागत कर लिए बेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सदा दिन लिये और साढ़े जुड़े साढ़े सारे प्यारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरा सत श्री अकाल। सो कैनेडा तो शुरुआत करा, सितंबर इनटेक निकल गया, हुण जनवरी इनटेक दे लई किस तरह तैयारी करन सुगा? कुलदीप, पहली गल तां सितंबर इनटेक किहो जिहा निकले आपां इह समझण दी कोशिश करदे आं। सितंबर इनटेक इस वरी नतीजे शानदार आए है पिरामिड ई सर्विसिज दे। इस वेले 90-92% वीज़ा अपरूवल रेट चल रहा है। मेरे ख्याल नाल अज तक इन्ना वधिया वीज़ा सक्सैस रेट कदी नहीं रहा होएगा। सो मैं उम्मीद करदा हां कि इह इक शुरुआत है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई हैं, सरकारां चेंज हुई हैं, ते सरकार चेंज होण नाल नवे रिफॉर्म्स आ रहे है, यू नो, नवी गवर्नमेंट नवे पॉलिसीज़ लैके आ रही है, क्योंकि यह गवर्नमेंट बेसिकली इमीग्रेंट्स की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पंजाबियों की गवर्नमेंट है, तो ज़्यादा यू नो वध चढ़ के स्वागत कर रही है हिंदुस्तान चो लोगों का, पूरे मुल्क चो लोगों का। छोटी जी एग्जाम्पल है कि सीरिया वर्गा मुल्क जिथे लोग सारी बाकी मुल्कों ने ना करती कि इतों की पॉपुलेशन नू आपां इमीग्रेशन नहीं देवांगे, क्योंकि बहुत बेचारे औखे समय चो औखी घड़ी चो निकलते पे सी। कैनेडा जस्टिन ट्रूडो की सरकार, लिबरल सरकार ने यू नो यह फैसला लिता कि 25,000 फैमलियां नू आपां माइग्रेट करवावांगे। पहली फेज़ में 25,000 फैमलियां नू माइग्रेट करवावांगे, दूजी फेज़ में। इसलिए यू नो बेसिकली दसन का मकसद मेरा यही है कि गवर्नमेंट की जिहड़ी मैंटैलिटी है, जिहड़ी सोच है, वो यू नो इमीग्रेंट्स के हक में है, इमीग्रेंट्स के हित में है। इसलिए यही टाइम है, जे तुसी कैनेडा जाने का सपना सोच रहे हो, लै रहे हो, तो यही टाइम है स्टूडेंट वीजे पर अप्लाई करो। आ एक लीगल तरीका है, स्टडी तो बाद तुहानूं काम मिलता है, काम तो बाद तुहानूं उत्थे पक्के होने का मौका मिलता है। सो बहुत वधिया रूट है, डिफाइंड रूट है। सो इहदे विच आपां तुहाडी जरूर मदद करांगे, हैल्प करांगे। जे तुसीं पिरामिड ई सर्विसिज राहीं कैनेडा स्टूडेंट वीजे ते जाना चाहते हो तो अज ही कॉल करो 9255639253 या साडे दफ्तरां दे विच तुसीं विजिट कर सकते हो। जलंधर, लुधियाना, मोगा, चंडीगढ़ अते हुण बठिंडे विच वी साडा दफ्तर खुल चुका है जी। सो 90-92% सक्सैस रेट रहा जिहड़ा कि तुसीं दस्सिया, पर जेकर जनवरी इनटेक की गल करिए, सितंबर दे विच नतीजे शानदार रहे, की लगता है जिवें न्यूजीलैंड दे विच सख्त आई, ऑस्ट्रेलिया सख्त होया, कैनेडा भी कितना कितने टेलीफोनिक इंटरव्यू आने लग गई। सो स्टूडेंट दे विच एक डर भी है जिहड़ा सवालों जरिए पहुँच रहा कि टर्म्स एंड कंडीशन या शर्तां चेंज हो सकदियां या सख्ताई हो सकती। देखो दो कुलदीप, दो बच्चों के दिमाग में इस वेले दो डर है। पहला डर है कि जिहड़ा लेट हो रहा है, प्रोसैसिंग टाइम वध लग रहा है, कि इहदा मतलब है तो नहीं कि वीज़ा रिफ्यूजल होने के चांसिज रहनगे। सो पहली गल दा आंसर यह है कि बिल्कुल भी नहीं। हालांकि टाइम चाहे यू नो 25-45 दिन लग रहे हैं, जे आपां गल करिए अज दी डेट विच ते हुण तक 7-8 जुलाई तक दे नतीजे भी आ चुके हैं। सो जिथे पहले 45 दिन लग रहे से, उह हुण समां घट के 25 दिन रह गया। इसलिए कोई इदां दी गल नहीं है कि टाइम अपने कोल घट रह गया है। तुसीं जे 5 अगस्त तक भी अपनी फाइल अंबैसी दे अंदर जमा करवा दिंदे हो तां वी तुसीं पॉजिटिव नतीजे की उम्मीद कर सकते हो। इसलिए बेझिझक हो के अपना केस अप्लाई करो। और सितंबर तो बाद सब तो वड्डी गल है, बैकअप दे लई जनवरी खड़ा है। जे सितंबर विच तुहाडा केस प्रोसैस नहीं हुंदा, टाइम सिर फाइल नहीं लगती, तो जनवरी विच अपना तुसीं केस डैफर करवा सकते हो, जनवरी लई ऑफर लैटर मंगवा सकते हो, जनवरी लई अपना केस प्रोसैस करवा सकते हो। इसलिए यू नो डू नॉट वरी एट ऑल। सो पहला क्वेश्चन जिहड़ा सीगा मैं तुहानूं एड्रैस करता है, लेट हो रहा है पर इहदा मतलब यह नहीं कि नतीजे माड़े आ रहे हैं, शानदार नतीजे आ रहे हैं पिरामिड ई सर्विसिज दे, पिरामिड इमीग्रेशन कंपनी दे। सो दूजा जिहड़ा क्वेश्चन सी कि इंटरव्यू आनी शुरू हुई, इंटरव्यू का मतलब कि हुण रिफ्यूजल आनगियां, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वांग कैनेडा भी अपने दरवाजे बंद कर लेगा? नहीं, इंटरव्यू सिर्फ उन्हां बच्चों की आ रही है जिथे एम्बेसी नूं लग रहा है कि दस्तावेज शायद गलत है। तुसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अंदर प्रोड्यूस किया, तुहानूं तुसी अज तक कभी जॉब ही नहीं की सी, तुहाडे एजेंट ने गलत एक्सपीरियंस बना के तुहाडा गैप घटाने लई गलत एक्सपीरियंस बना के एम्बेसी चलाता, और उस बारे तुहानूं किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। तो एम्बेसी फोन करके पुछदी है, प्लीज़ टैल मी अबाउट योर सैल्फ, टैल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, वेयर ऑल हैव यू वर्कड। सो बच्चे नूं पता ही नहीं होएगा कि एजेंट ने कहो जिहा एक्सपीरियंस लाया है, तो अल्टीमेटली जवाब की देगा। दूजा
ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ USA ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਭ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦੈਟ ਡੇਟਾ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਧੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਟਿਲ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਯੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਡਿਨਾਈਡ ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨੋਟ ਫੋਰ ਗੋਡ ਸੇਕ, ਏਜੰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-20-40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਦੀ ਆਪ ਫਗਵਾੜਾ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚਾਹੋ ਮੂਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਸਪਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਸਪਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪਤੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਟੇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁਣ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਦੇਰ ਆਰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਇਓ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਸੈਂਕੜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, CA ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਮਰਸ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਸਪਤੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ, 6 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6.5 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
अंबैसी की रिक्वायरमेंट 6 बैंड है, इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, तुसी इस यू नो मौके का फायदा उठाओ और जनवरी सैशन लिए फटाफट अपना केस अप्लाई करो। इस तरह के स्टूडेंट जिन्हों के 3 मेजर सब्जेक्ट विचों एक सब्जेक्ट के मार्क्स घट ने या परसेंटेज घट कह लिए ओवरऑल परसेंटेज ठीक बनती की चांस रहते हैं उन्होंने वीजा आने के? कुलदीप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं हूँ अज की डेट में फेसबुक राही लाइव हूँ हाँ, क्योंकि मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर लोकेशन पर फिजिकली जाना, क्योंकि यू नो ई सर्विसेज जलंधर भी है, पिरामिड डी सर्विसेज लुधियाने भी है, मोगे भी है, बठिंडे भी है, चंडीगढ़ भी है, एक ब्रांच मैं अगर एक दिन भी जावा तो भी पूरा हफ्ता निकल जाता है। इस करके जो दूसरा विकल्प आप हूँ शुरू किया है कि मैं लाइव होना शुरू किया है उन्होंने सारे बच्चों लिए, उन्होंने सारे मापिया लिए जोड़े मेरे नाल एक बार गल करके ही अपना कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को आप लाइव होंगे हाँ और स्टूडेंट्स नाल रूबरू हुंदे आ, उन्हां दे लाइव क्वेश्चंस दा आंसर्स दिंदे आ, जिहड़े भी उन्हां नूं डाउट है वीज़ा तुहाडा रिफ्यूज़ हो गया है या नंबर तुहाडे घट है या नंबर ठीक है पता नहीं चल रहा कोर्स कड़ा लईए या कॉलेज विच कन्फ्यूजन है या गलत कॉलेज चुनिया गया, जाना चाहते सी शेरिडन पहुँच गए शेरिडन तो 400 किलोमीटर दूर, तो इदां दी जानकारी तुहानूं चाहीदी है। तो यह मंच तो है ही है, तुसीं साडे फ्री वीज़ा हैल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हो 9253 9253। नाल दी नाल तुसीं हुण सोमवार बुधवार ते शुक्रवार शामी 5 बजे लाइव हो सकते हो www.facebook.com/pyramidesservicesofficial दे पेज ते जाके तुसी यू नो लाइव हो सकते हो और साडे नाल रूबरू हो के साडे नाल गलबात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो जिहड़ा क्वेश्चन सी तुहाडा कि किसे विच अगर नंबर घट रह गए एक विच नंबर घट रह गए तो ओवरऑल परसेंटेज वध होनी चाहीदी है, बैंड स्कोर वध होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुसी रखिया सी नॉन मैडिकल, मैथ च आ गए 43 नंबर, सो जे तुहाडे मैथ विच 43 आ गए तो आपां की करांगे, आपां देखांगे तुहाडे ओवरऑल, जे तुहाडे ओवरऑल 65 तो उपर है तो विच मीनस कि ठीक है, जे 65 तो उपर है 65 तो उपर है इहदा मतलब फिजिक्स विच कैमिस्ट्री विच इंग्लिश विच चंगे होणगे, एक विच घट रह गए। अंबैसी डू नॉट माइंड कि एक नंबर घट रह गए, बाकियों विच अगर तुहाडे बी या बी प्लस अगर हैगे आ तां, पर हाँ तुहाडे मैथ विच रह गए 33 ओवरऑल रह गए 55 तो फिर वीज़ा नहीं आएगा, यह गल पक्की है। एक विच सब्जेक्ट घट है तो ओवरऑल नंबर घट होन वध होन तां फिर गल बन सकती है, या रह गए 40 और ओवरऑल रह गए 60 पर बैंड आ गए 6.5। देखो जे आपां 6 तो 6.5 बैंड ते पहुँचते हाँ तो आपां बेसिकली टॉप की 20% की क्रीम दे विच आ जांदे हां। मैं मैसेज हमेशा दिंदा हाँ तुसीं इस चीज़ नूं अमल करो, क्योंकि जिन्ने बैंड वध उन्ना वीज़ा लगन दे चांसिस वध। देखो बेसिकली की है कि जिन्ने बच्चे भी आइलैट्स विच पंजाब विच अपीयर करते हैं ज़्यादातर बच्चों के 6 बैंड ही आते, सो आउट ऑफ 6 बैंड एंड अबव पॉपुलेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू गैट ओनली 6 बैंड्स, 80% बच्चों के 6 बैंड आते हैं, जेडे 20% बच्चे है उन्होंने 6.5 एंड अबव आते हैं, विच मीनस कि अगर तुम 6.5 वाली कैटेगरी चले गए तो टॉप की 20% क्रीम में आ गए, टॉप की 20% पॉपुलेशन आ गए, वीज़ा लगन के चांस साढ़े उन्ने ही बढ़ गए। इसलिए नंबर घट है तो आइलैट्स वधा लो, नंबर तो हूँ आप कुछ कर नहीं सकते, जोड़े नंबर आ गए एक बार वो फिक्स हो गए, बैंड उपर आप वर्क कर सकते हाँ। सो बैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू गैट यूर वीज़ा। हाँ जोड़े स्टूडेंट के एक सबजैक्ट के मार्क्स घट आ जाएंगे फिर कोर्स सिलैक्शन से लगे उन्होंने कि गलों का ध्यान रखा? देखो फॉर एग्जाम्पल हूँ तो मैथ्स में नंबर रह गए 40, ओवरऑल चाहे 65% तुहाडे आ गए, विच मीनस अगर तुहाडी मैथ्स वीक है तो तुसी इंजीनियरिंग विच इन्ने ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हो सकते हो, सो कोशिश करो चूज़ करो कंप्यूटर साइंस, IT का कोर्स करो, IT इनेबल्ड सर्विसेज का कोर्स करो, सो इंजीनियरिंग नू प्रेफर ना करो। इदा ही तुहाडे बायो विच नंबर रह गए घट और तुसी लै रहे हो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नीशियन एनवायरमेंटल साइंस, तो उन्होंने प्रोग्राम नाल अंबैसी नूं लगेगा कि यार उत्थे जाके कामयाब नहीं हो सकता, नंबर तुहाडे रह गए ज्योग्राफी विच घट और कोर्स तुसी चूज़ कर रहे हो टूरिज्म ट्रैवल, सो उन्होंने लगेगा कि यह बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। सो यह बहुत इंपॉर्टेंट यू नो डिसीजनस होंगे है जिहड़े साडे वीज़ा काउंसलर्स पिरामिड ई सर्विसिज़ के वीज़ा काउंसलर्स नू ट्रेनिंग राही दसिया जाता है हर हफ्ते, मैं आप अपनी टीम की ट्रेनिंग करता है, इदा के परमिटेशन कॉम्बीनेशन दसदा है, वीज़ा जिहड़े आए हैं पिछले हफ्ते उन्होंने बारे जानकारी दी जाती है कि देखो इस नंबरों तो बाद इस बच्चे का इदा वीज़ा आ गया, इन्नी परसेंटेज तो बाद कोर्स दिता यदा इदा वीज़ा आ गया, सो यह जिहड़ियां जानकारियां है जिहड़ी रिसर्च है जिहड़ी ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग का तुसी फायदा
चुक सकते हो पिरामिड ई सर्विसिज के परिवार जुड़ के, पिरामिड ई सर्विसिज नैटवर्क जुड़ के और इस सर्विसिज का फायदा चुक के तुसी वीज़ा भी हासिल कर सकते हो जी। सो एक कंसल्टेंट का तजर्बा या एक्सपीरियंस जिसको कह दें वो मैटर करता है, तुहाडी फाइल किस तरह प्रिपेयर की जा रही, किस तरह प्रेजेंट की जा रही, उन्होंने कंसल्टेंट को जान तो बचो जिन्हों का सिर्फ मोटिव होंगे कि चलो एक्सपैरीमेंट करके देख लें या लगा के देख लें। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। 2015-16 वाले स्टूडेंट हूँ अप्लाई कर सकते हैं, 14 वाले भी कर सकेंगे या नहीं? कुलदीप 14 वाले एलिजिबल है जे ग्रेजुएशन की है, क्योंकि 12वीं पास बच्चा 2 साल का गैप पा लवे, एम्बैसी नूं समझ नहीं आता, उन्होंने लगता है कि या तो झूठ बोलता पाया तो ग्रेजुएशन से फेल हो गया या नलायक सी 2-2.5 साल कुछ नहीं किया। बिकॉज एक लायक बच्चा जिदी अगे जिंदगी विच एस्पिरेशंस है, जो जिंदगी विच कुछ बनना चाहता है, देखो कैनेडा जाना IIT क्लीयर करन दे बराबर है। सो जे तुसी तुहाडा कैनेडा का स्टूडेंट वीजा लग रहा है तां मतलब तुसी PMT क्लीयर कर ली, तुसी IIT क्लीयर कर ली, उस लैवल ते तुसी पहुंच जांदे हो। इसलिए यू नो यह चीज़ को छोटा मोटा ना समझो, यह ना समझो कि आप किसी भी तरीके नाल वीज़ा लै सकते हैं। यह एक तजर्बेकार कंसल्टेंट नाल जुड़ के चंगे कॉलेज चूज करके चंगे प्रोग्राम चूज करके ही वीज़े आते हैं, इन्ने सौखे भी नहीं है वीज़े लेने। इसलिए यह डिसीजनस बहुत इंपॉर्टेंट है, यह डिसीजनस नूं ध्यान नाल चुनो, ध्यान नाल चूज करो, बिकॉज कई बार ये गलत अगर पै जाए तो साडा भविख रुल जाता। इसलिए गैप पहली गल तो होना नहीं चाहिए, जे हैगा तो 2015 और 2016 ही एक्सैप्टेबल है। तुसीं ग्रैजुएट हो, तुहानूं जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, जे 2012 वाला भी बच्चा पोस्ट ग्रैजुएट स्टडीज़ लिए मास्टर स्टडीज़ लिए अप्लाई कर सकता है। सो ग्रैजुएशन तो बाद जो वर्क एक्सपीरियंस होंगे कुलदीप वो काउंट कर दी है एम्बैसी, उस तो बाद वीज़ा भी दिंदी है एम्बैसी, प्रोवाइडेड आप कोर्स रेलीवेंट चूज करिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ग्रैजुएशन की BCA की, वर्क एक्सपीरियंस सानू हैगा जेन्युइन, पर कोर्स चूज कर लिया कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन 2 साल का सिंपल डिप्लोमा, तो एम्बैसी ने कहना कि यार बच्चे की सोच सानू समझ नहीं आ रही। यू नो ग्रैजुएशन तो बाद एक्सपीरियंस हासिल करन तो बाद तजर्बा हासिल करन तो बाद सिंपल डिप्लोमा चूज करता पे, इहदा मतलब इहदा मकसद कैनेडा विच सिर्फ पढ़न जांदा है, इहदा मकसद उत्थे जाके यू नो कम, इहदा मकसद सिर्फ कम करन दा है, माफी चाहना है, पढ़न दा इहदा कोई मकसद नहीं है, उत्थे जाके है कामयाब नहीं हो सकता, उत्थे जाके है फेल हो जाएगा। इसलिए यह चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कंसल्टेंट ही तुहानू गाइड कर सकता है। सो किसी भी तरह का सवाल, कोई भी डाउट कन्फ्यूजन तुहाडे मन में, नंबर स्क्रोल किए जा रहे हैं शो के दौरान या शो तो बाद इन्ह नंबर पर कॉल कर सकते हो, परसनली मिलना चाहते हो बेदी साहब के नाल, अपॉइंटमेंट लैके मिल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया वाल मैं आवाँगा, SSVF करीबन 1 महीना हो गया शुरू हुए, की देखते हो तुसी, किस तरह का रिस्पोंस आ रहा, वीजे आ रहे हैं? कुलदीप मैं जे गल कर लवां पिछले 1 हफ्ते की, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ऑस्ट्रेलिया साढ़े 11-12 वीजे आए जी। ऑस्ट्रेलिया का नतीजा यू नो 100% वधिया आएगा, बस सानू उन्हां दी पॉलिसी समझण दी लोड़ चाहीदी है। इस वेले देखो अल्टीमेटली हर एम्बैसी, खासकर ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, UK हो गई, क्योंकि यह अपने रूल बहुत जल्दी चेंज करते हैं, कभी इन्होंने 5 बैंड से तुहानू एडमिशन दे देनी है, कभी 5.5 बैंड से, कभी 45% वालों दे देनी है, तो कभी 60% वालों ना कर देनी है। सो रूल जल्दी चेंज करके इन्हों रूल जल्दी बदलने पैंदे है, रूल बदलते हैं तो प्रॉब्लम की आती है कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स नूं लगता है कि साडे नाल हुण धोखा हो गया, पंजाब बोर्ड बंद हो गई, क्यों भुल जाने आपां उह वाला समां जदों पंजाब बोर्ड 45-45% वालों नूं वीजे मिले है, क्यों भुल जाने आपां उह वाला समां जदों 45-45 साल वाले लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके अज की डेट में सैटल हो चुके हैं। सो लैट्स रिस्पैक्ट द एम्बेसी, लैट्स यू नो गिव रिस्पैक्ट टू द एम्बेसी कि यह उही एम्बेसी है जिन्होंने सानू पहले एक्सैप्ट किया। हाँ अगर थोड़ी जी हूँ बार वो चेंज कर रहे हैं तो ये सानू ज़्यादा नैगेटिव होने की लोड़ नहीं है, क्योंकि देखो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। देखो जो डिमांड है तो उदो सप्लाई फिर इंडिया वर्गी कंट्रियां तो, चाइना वर्गी कंट्रियां तो लैनी वो शुरू कर देंगे है। जो हूँ डिमांड घट है, ऑलरेडी जोड़े बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने नौकरियां देने जिम्मे वारी है, उन्होंने PR देने की जिम्मेवारी है, इस करके थोड़ी सप्लाई पिछों खिंचती, मना कर नहीं सकते, बिकॉज अल्टीमेटली इन्हों कंट्रिया की इकोनमी साडे लोगों चलती है, इन्ह कंट्रिया जे माइग्रेशन बंद हो जूगी तो कंट्रिया की सर्वाइवल मुश्किल हो जूगी, बिकॉज स्टूडेंट वीज़ा इमीग्रेशन $1 trillion इंडस्ट्री बन चुकी है, कैनेडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया USA लिए बंद है कर नहीं सकते, सर्वाइवल चलता नहीं है, पर हाँ क्वालिटी कंट्रोल इस वेले ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसलिए लैट्स रिस्पैक्ट द डिसीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अंडरस्टैंड करिए कि क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है। वो कहें कि पंजाब बोर्ड का उन्होंने लगता है कि जोड़े बच्चे पंजाब बोर्ड तो अपनी 12वीं करते हैं बेसिकली, अगर वो CBSE या सेंट्रल या ICSE बोर्ड न कंपेयर करो तो 10% का फर्क रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि
किसी बच्चे दे अगर एक बारी 50% CBSE चाहे अगले साल जो पंजाब बोर्ड लिए अपीयर होया 75% नंबर आ गए, सो इसलिए या 70% नंबर आ गए, इसलिए यू नो पंजाब बोर्ड नूं वो कहिंदे आ कि सानूं 70% नंबर घट तो घट चाहिए है, 6 बैंड घट तो घट चाहिए है। जे एक पंजाब बोर्ड वाला बच्चा आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अपलाई करना चाहता है वीज़ा भी जे CBSE वाला करना चाहता है तो 65% और 5.5 बैंड भी एक्सैप्टेबल रहेंगे। ਤੁਸੀਂ ਐਡਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯੂ ਨੋ 5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ 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 ਜਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇਨ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਲਓ, ਯੂ ਨੋ 50% 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ, 55% 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓ, ਰੁੱਲ ਪੈ ਗਈ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2-4 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪਣੇ 20-40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ $500 ਕਾਲਜ ਨੇ ਨੈੱਟ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ $500 ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, $1,000 ਏਜੰਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, $2,000 ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਫਲੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿਰਫ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਝੱਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੋਟਰੀ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੱਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 5 ਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ 50% ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਬੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। जे आस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो CBSE 65% 5.5 बैंड, पंजाब बोर्ड 70% 6 बैंड राही ही जा सकते हो। दूसरी गल, ग्रैजुएट स्टूडेंट 55% 6 बैंड नाल भी जा सकते हैं, ग्रैजुएट स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम ले जा सकते हैं 55% 6 बैंड। 12वीं पास बच्चे यू नो 65% 5.5 बैंड CBSE या ICSE बोर्ड, पंजाब बोर्ड या कोई भी रीजनल बोर्ड 70% और 6 बैंड नाल जा सकता है। हाँ, 2 मिनट का समा बचा, न्यूजीलैंड वाले स्टूडेंट के लिए की कहना चाहोगे? न्यूजीलैंड भी सेम चीज़ है, अब सानू रिस्पैक्ट करनी चाहिए है वीज़ा ऑफिसर्स के डिसीजनस लिए। यह उही एम्बेसी है जिन्होंने विदाउट आइलेट्स पंजाब की जनता नू, पंजाब के बच्चों मौका दिता, उत्थे जाके साडे बच्चों ने एज यूजुअल गाह पाया, उत्थे जाके साडे बच्चों ने लॉ की उलंघना की, उत्थे जाके लॉ ब्रेक किया यू नो, और एट द सेम टाइम उन्होंने प्रवोक किया कि तुसी मुड़ के पॉलिसी चेंज कर लो, जिहड़ी गलती कीती सी बिना आइलेट्स विच भर्ती करन दी उह गलती बंद करो, और जिहड़ा फाइनैंशियल फ्रॉड होया सी पंजाब दे विच, गलत लोन लैटर, गलत सेविंग स्टेटमेंट, किसी होर दी सेविंग, दादा कोई होर बन गया, पोता कोई होर, सो वह चीज़ां करके हुण फाइनैंशियल फ्रॉड वो समझ चुके पंजाब विच किहो जिहा हुंदा है, इसलिए दे आर बींग वेरी वेरी कॉशियस। वो कहिंदे थर्ड पार्टी एक्सैप्ट नहीं करांगे, हालांकि यह एक गलत भी है किसी न किसी एंगल तो, किसी न किसी पक्ष तो, क्योंकि हिंदुस्तान विच हजे भी जॉइंट फैमिली का कल्चर है, हिंदुस्तान विच हजे भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल चलता है, हिंदुस्तान विच हजे भी चाचे नू प्यो का दर्जा दिता जाता है। सो यह जिहड़ा थर्ड पार्टी बंद होया, मैं इस चीज़ जरूर क्रिटिसाइज करांगा, क्योंकि हजे भी जिहड़े जिमीदार परिवार हैगे है, वह हजे भी उन्होंने खाते कट्ठे है, उन्होंने जमीन कट्ठिया, उन्होंने पैलियां कट्ठिया, इस करके यू नो आई वुड कंडेम दिस पर्टिकुलर एक्ट फ्रॉम इमीग्रेशन, बट एट द सेम टाइम यह उन्होंने पॉलिसी है, मननी सानू पएगी। और हुण की पॉलिसी है, वह कहिंदे है कि तुहाडे मदर फादर, तुहाडे ब्रदर सिस्टर, तुहाडे पेरेंट इन लॉ, अगर तुहाडे स्पाउस तुहाडा है, तुहाडा विआह हो चुका है, तो तुहाडी वाइफ दे हसबेंड दे पेरेंट्स भी तुहानू स्पोंसर कर सकते हैं, या तुहाडे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी स्पोंसर कर सकते हैं। इस तों इलावा 6 महीने पुरानी तुहाडी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए है, 6 महीने पुरानी तुहाडी फंड होनी FD होनी चाहिए है, KVP चलनगे, 1 साल पुराने KVPs होन, अपना एजुकेशन लोन प्रॉपर्टी दे अगेंस्ट होवे, FD दे अगेंस्ट एजुकेशन लोन ना होवे, गोल्ड लोन हुण बिल्कुल भी एक्सैप्टेबल नहीं है, गोल्ड तुसी सेल करके 6 महीने पुराने पैसे जरूर कर सकते हो। सो यही सोर्सेज है जिन्हां नूं हुण मन्निया गया, जे तुहाडे कोल फंड पुराने है तो न्यूजीलैंड विच स्टूडेंट वीज़ा तुहाडा आपां बगैर किसी खर्चे दे लावांगे, इंटरव्यू की तैयारी करांगे, इस वेले इंपोर्टेंस फंडिंग की है, होर किसी चीज़ की नहीं है। सैमीनार जेकर देखिए आने वाले समय च की प्रोग्राम्स में, सो हर साल की तरह पिरामिड ई सर्विसिज कैनेडा सिक्ख्या मेला का आयोजन करता है, जिदे विच यू नो कैनेडा दे वक्रे वक्रे SPP कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नू न्योता दिता जांदा है, बुलाया सद्दा दिता जांदा है, ताकि आके उस सैमीनार्स दे विच पार्टिसिपेट करन, भाग लैन, और यू नो बच्चों का मार्गदर्शन तो करन, नाल दी नाल एप्लीकेशन फीस विच छूट देन और स्कॉलरशिप्स बारे जानकारी देन। 9 तरीक नू जलंधर होटल किंग्स विच सैमीनार कराया जा रहा है, 9 अगस्त, सो 9 अगस्त नू सैमीनार करवाया जा रहा है होटल किंग्स जलंधर, 10 अगस्त नू सेमिनार करवाया जा रहा है लुधियाने होटल फोर्ट क्लासिक, जो कि बस स्टैंड के नेड़े है, पहले नाम इहदा फॉर्चून क्लासिक सी,
11 तरीक नू सेमिनार कराया जा रहा है होटल ऑर्बिट कॉन्टीनेंटल। सो जीरा रोड से होटल है होटल ऑर्बिट कॉन्टीनेंटल जिथे ऑर्बिट सिनेमाज भी है आईलेट्स का एग्जाम भी होंगे है। सो 11 तरीक नू सेमिनार करवाया जा रहा है होटल ऑर्बिट कॉन्टीनेंटल। 12 तरीक नू बठिंडे करवाया जा रहा है होटल बाइया फोर्ट, इतने भी आईलेट्स का इम्तिहान होंगे है होटल बाइया फोर्ट में 12 तरीक नू सेमिनार कराया जा रहा है। और 13 तरीक नू सेमिनार कराया जा रहा है चंडीगढ़ विच। सो चंडीगढ़ विच होटल अरोमा विच सेमिनार कराया जा रहा है सेक्टर 34 विच होटल है इत्थे यह सेमिनार कराया जा रहा है। सो 9 तरीक जलंधर, 9 अगस्त जलंधर, 10 अगस्त लुधियाने, 11 अगस्त मोगे, 12 अगस्त बठिंडे, 13 अगस्त चंडीगढ़। पहली गल तो मैं आप इन्हां सेमिनार ते अवेलेबल रहांगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ, ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਨ ਪੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲਾ ਯੂਨੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਛੂਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ ਪਰ ਗਲਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ, ਜਾਂ GIC ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ PTU ਅਫੀਲੀਏਟਿਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, IT, ਕਾਮਰਸ, ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ। President Roosevelt ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਲਡ ਫਿਊਚਰ ਫਾਰ ਦਾ ਯੂਥ ਬਟ ਵੀ ਸਰਟਨਲੀ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਯੂਥ ਫਾਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਡੈਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਲੇਂਜਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਚੈਲੇਂਜਿਸ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਸਵੀਟ ਸਕਸੈਸ। ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੋਕਸ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਲੈਬਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਫੁੱਲੀ AC ਕਲਾਸਰੂਮਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਸਕਿੱਲ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਗਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪਸ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ 2+2 ਸਟੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਵਰ ਵਿਜ਼ਨ ਐਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਐਂਡ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਬੋਸਟ ਆਫ ਆਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈ ਅਪਸ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।
This will not only save thousands of dollars, but will give you an opportunity to do a bachelor's degree in a top-ranked university. एक ऐसा विद्यक अदारा जो तुहाडे सुनहरे कल लई दिंदा है एक मजबूत बुनियाद, पिरामिड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। पिरामिड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, चाहा जो भी हमने पा लिया वही। पिरामिड कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, चाहा जो भी हमने पा लिया वही। हाय सत श्री अकाल, मेरा नाम अभिनीप कौर है एंड मैं, मेरा वीज़ा आ चुका है पिरामिड ई सर्विसेज तो, एंड इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस बीइंग विद दैम। मैं भवनूर सर नू टीवी ते वेख्या सी एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड। आई एम गोइंग टू शेरिजन कॉलेज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कोर्स है एंड हेयर इज माई वीज़ा। एंड आई वुड लाइक टू थैंकफुल टू गॉड, माई पेरेंट्स एंड पिरामिड ई सर्विसेज, एंड हेयर इज माई वीज़ा। मेरा नाम लापी सिंह, मेरा हूँ बी टैक तो बाद कैनेडा जाने का सपना पूरा हो गया, मेरा पिरामिड ने वीज़ा लगाया दिता। मैं दसना चाहता कि प्लस टू तो बाद मैं अप्लाई किया, मेरा रिजेक्ट होया, सो मेरे चांस बहुत घट लग रहे थे। सो इस बार इन्होंने दसा कि तुहाडे नंबर वधिया, तुसीं कैनेडा का अप्लाई कर सकते हो, पर मैनू चांसिस बहुत घट लग रहे थे। सो मैं हूँ इन्हों का बहुत थैंक्स करता मेरे वीज़े के खातिर।